हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फ्यूचर पहले। तो गाइस, आज है हमारे छोटा सा भाई टाइगर का बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे। और वो देखते देखते ही हमारे फैमिली का एक मेंबर हो चुका है। एंड अभी उसके छोड़ के तो हम लोग कुछ सोच ही नहीं सकते, कुछ भी लेते हैं कहीं पे जाते हैं ना, तो टाइगर का लेंगे, उसके लिए ये लेंगे, उसके लिए करेंगे, ऐसा होता है। तो सच्ची में वो हमारा पार्ट ऑफ द फैमिली बन चुका है। अक्कू का पार्ट ऑफ द फैमिली मीन्स मेरा भी, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड का पुचकू सा भाई है ना। तो फिर वो वैसे भी अकेला लड़का था, तो एंड उसको एक भाई मिल गया, सबसे अच्छी वाली बात है। तो आज है टाइगर का बर्थडे एंड आज है 14th of May, तो ये वाला डे नोट करके रखना आप सभी, है ना। तो फिर इसीलिए आज ना हम सोचे हैं टाइगर के लिए बनाएंगे हम केक। तो उसकी दीदी उसके लिए स्पेशल बर्थडे में कुछ तो करने वाली थी, तो हम सोच रहे थे उसको ड्रेस खरीद के देंगे, पर इतना गर्मी है कि क्या ड्रेस खरीदेंगे गाइस, उसके लिए गर्मी से पागल हो जाएगा, वैसे भी उन लोगों को ज़्यादा गर्मी लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि उसके लिए ऐसा कुछ बनाएंगे जो बहुत मेमोरेबल होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि केक खरीदेंगे, पर वो बाहर वाला केक तो वो लोग नहीं खा सकते, उनके लिए नहीं होते वो सारे। तो इसलिए सोच रहे क्यों ना उसकी बड़ी दीदी उसके लिए केक बना के खिलाए, है ना। तो मैंने तो इसके पहले 2-3 बार केक बनाए हैं घर पे, पर उनके लिए जो स्पेशल केक होता है वो तो कभी नहीं बनाया है। तो इसलिए सोचा है कि आज मैं केक बनाऊंगी और उसको सरप्राइज दूंगी। तो चलो बनाते हैं, जाएंगे उसके घर जाके बनाएंगे, उसके पहले हम रेडी होंगे। तो फिर कल आएगा टाइगर का बर्थडे वाला व्लॉग, और आज आने वाला है डॉग स्पेशल बर्थडे केक। तो जिनके घर में डॉग है उनके लिए तो ये वाला वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं कुछ ऑनलाइन में रिसर्च की थी, उसके बाद में बनाने का सोची हूँ। तो फिर चलो आप लोग भी पूरा देखो, आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो जल्दी से एक लाइक कर दो, पूरा वीडियो देखो एंड कॉमेंट में उसको हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलना। और किन किन के घर कौन से प्रजाति का डॉग है वो भी मुझे जल्दी से कॉमेंट में बता दो। तो फाइनली मैं आ गई थी अक्कू घर एंड आके टाइगर को बहुत सारा प्यार की, उसके बाद ही मैं बनाने बैठ गई थी क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम तो लगने वाला है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो मैंने इधर ले लिया था राइप केला, लाइक जैसे आप लोगों को पता है जो कच्चा केला नहीं होता है, जो एकदम अच्छे से पक जाता है, वो वाला केला हम ले लिए थे, 4 ठो लिए थे। तो लेके ना उसको ऐसे चम्मच के मदद से, फोक की मदद से हम उसको ना स्मैश कर रहे थे। आप लोग चाहो हाथ से भी कर सकते हो, पर इससे भी बहुत अच्छे से बन जाता है। उसके बाद इधर गाजर का टुकड़ा था और उसको मिक्सर में देके उसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप लोग चाहो तो उसको एकदम छोटा छोटा चॉप करके भी दे सकते हो। और फिर यहाँ पे मेरा भाई एंड अक्कू भी आ गया था, और आके इधर टाइगर देख सकते हो बिस्तर के नीचे घुस गया था, और उसको इधर बिस्किट खिलाया जा रहा था क्योंकि केक होने में थोड़ा लेट है एंड उसका भी खाना बन रहा था, तो इसीलिए देख सकते हो। तब तक अक्कू की मम्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो इधर जो फाइन पेस्ट है हमारे कैरेट का, वो भी मैं दे दी हूँ। और ये सारा जो इन्ग्रीडियंट्स है ना डॉग के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है, तो आप लोग एकदम भी टेंशन ना करके बना सकते हो। इधर हम ले लिए थे किसान का पीनट बटर, तो आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हो। तो इधर देख सकते हो हम लाइक 2 चम्मच के आसपास हम पीनट बटर दिए थे, 2 या 3 चम्मच के आसपास। तो आप लोगों को जितना क्वांटिटी में लगे कि हाँ या इतना अच्छा है, जितना क्वांटिटी में आप लोग केक बना रहे हो उसके अप्रॉक्सीमेटली सोच के ही दे देना। इधर 3 चम्मच के आसपास हम दे दिए थे, एंड उसके बाद हम इधर ऐड किए थे 2 ठो अंडा। तो आप लोग चाहो तो बस एक वाइट भी दे सकते हो, योक को अलग कर सकते हो, पर हम इधर एक वाइट एंड योक दोनों ही दे दिए थे। इधर हम 2 अंडा लिए थे, तो आप लोग चाहो तो 2 ले सकते हो, और क्वांटिटी के अनुसार आप लोग 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ इसको देके हम अच्छे से मिक्स्ड कर लेते, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अरे कैसा प्यारा सा कलर आ गया था, एकदम सारा मिक्स्ड होके। एंड इनको ना जितना अच्छे से मिक्स करोगे उतना अच्छे से ये मतलब फूलेगा। और उसके बाद ना इधर हम ले लिए थे हनी, जो एकदम प्योर वाला सुंदर बन वाला हनी था, तो उसके पापा काम से लाए थे। तो इधर ना थोड़ा हम चक्के देख रहे थे कि कितना प्यारा है, तो उसके बाद ये वाला हनी भी हम दे दिए थे। तो करीब करीब 2-3 चम्मच हम हनी ऐड किए थे, कोई चीनी वगैरह या अलग से कुछ नहीं ऐड होगा। उसके बाद उसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इधर हम दे दिए थे थोड़ा बहुत आटा, तो ऐसे कि मेरे हाथ के परिमाण अनुसार हम दो हाथ लेके हम दिए थे आटा। और उसके बाद इधर हम दे दिए थे थोड़ा बहुत दूध, आप लोग चाहो तो दूध ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम दिए थे क्वांटिटी अनुसार बेकिंग सोडा, एंड इधर इसको मिक्स करना था। तो इधर अक्कू भी मुझे हेल्प कर रहा था, तो सब लोग मिलके करते हैं ना काम तो बहुत ईजिली बन जाता है। तो इधर हम कर रहे थे और मेरा भाई पूरा वीडियो पकड़ा था, तो वो भी हेल्प कर रहा था, तो सब लोग मिलके हम लोग बनाए थे। तो इधर हम भी पूरा मिक्स कर लिए अच्छे से, जितना अच्छे से आप इस बार मिक्स करोगे ना उतना अच्छे से वो बेक होगा एंड फूलेगा, तो सबसे अच्छी वाली बात है। उधर देख सकते हो मेरा भाई एकदम अच्छे से, उसको पता था कैसे केक बनाया जाता है। तो उसको हम बोले थे कि एकदम अच्छे से अक्कू की मम्मी को बोले तेल लगा दो उसका, अगर आप लोग चाहो तो बटर भी लगा सकते हो, एंड उस बटर पेपर ना हो तो घर में कोई भी पेपर होगा उसके अंदर थोड़ा सा तेल को ब्रश कर लेना, एंड इसको ना ऐसे
का एयर जो है ना वो निकल जाए, इसीलिए उसको ऐसे अच्छे से ठोक लेना है ना, तो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और इधर हम पहले ही एक कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए बिठा दिए थे एंड इसको भी रख दिए हैं, तो 30 to 45 मिनट्स हम इसको बॉइल करेंगे। और ऐसा एक आप लोग थाली या कुछ ले लो जिससे ये जो है ना पूरा आराम से कवर अप हो जाए, तो ये सबसे अच्छी वाली बात होगा। इसके पहले हम जो लिए थे वो छोटा था, इसीलिए और एक लेके अच्छे से दे दिए एंड फाइनली सारा डन है। और अभी तो बस बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देख सकते हो अभी इधर बन रहा था, तब तक हम थोड़ा बैठ के बात बूत कर रहे थे। उसके बाद इधर ना कुछ आलू लेके, दो ठो आलू लिए थे, लेकिन ना उसको बॉइल्ड करके ऐसे हाथों से अच्छे से स्मैश्ड कर लेना, क्योंकि ये सबसे अच्छी वाली बात होगा। एंड इधर हमारा केक बन के रेडी हो गया है। बीच में हम एक बार दो बार खोल के देखे थे और एक टूथ पिक के मदद से ना एक बार देख लिए थे अंदर से पूरा बना है कि नहीं। एंड इधर एक चाकू लेके उसके मदद से साइड से ऐसे कर लेना, ऐसे भी खुल जाता है फिर भी कर लेना, और उसको उलट लेना। लेने के बाद उसके ऊपर जो ये पेपर था ना नीचे, तो इसको भी रिमूव कर लेना। तो उसके लिए अक्कू की मम्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। एंड इसको थोड़ा बहुत ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देना। उसके बाद ना इधर कुछ दही लेना और उसको अच्छे से मतलब फटा लेना, पूरा मिक्स कर लेना एकदम अच्छे से, जिससे वो जो थोड़ा ऐसे गोटा गोटा रहता है ना दही, तो वैसा नहीं रहे तो सबसे अच्छा होगा। और ये जो आलू आप लोग पहले स्मैश किए थे उसमें भी कोई भी मतलब ना कोई आलू सख्त रहे ऐसा नहीं रहे, एकदम फाइन पेस्ट जैसा बना लेना एंड इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना। करने के बाद यही था हमारे केक का, क्रीम एंड लेट हो रहा था इसीलिए हम दो मतलब स्लाइस में नहीं काटे थे। आप लोग चाहो तो स्लाइस में कट के उसके अंदर से भी लगा सकते हो। एंड टाइगर इधर देख रहा था, सोच रहा था ये लोग कब से क्या यार कर रहे हैं, हमको कब खाने के लिए देंगे। देख सकते हो एकदम पूरा देख रहा था। और हम करते करते उसको भी थोड़ा बहुत खिलाए थे एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर था गाइस कि उसको केक पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम लोग बना रहे थे। पर सच्ची में बताओ गाइस, टाइगर को बहुत 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 ज़्यादा केक पसंद आया था। वो हमारे सामने भी केक खाया, इवन उसके बाद वाले दिन 4 टाइम वो केक खाया। उसके बाद वो ढूंढ रहा था ऐसे ही सोके, अक्कू की मम्मी उसको खिला दे रही थी, हमको फ़ोन करके बोली कि वो पूरा खाया, तो सबसे अच्छी वाली बात है। इधर देख सकते हो अक्कू की मम्मी दोनों ही हमको थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे थे जैसे चाकू से उसको अच्छे से लगा देने के लिए। और हम थाली में ही सजाए थे एंड उसका जो डॉग्स का जो बिस्किट होता है, टाइगर का फेवरेट हड्डी वाला दिखने का बिस्किट, तो उसको दे के ऐसे ऐसे हम ना उसके उसको डेकोरेट कर रहे थे। एंड उसके बाद एक पाइपिंग बैग हम बनाए थे पेपर कट के, उसको रोल करके सेलो टेप लगा के उसको ऐसे हम कर लिए थे, एक पाइपिंग बैग बना लिए थे। और उसका मुँह थोड़ा काट के प्लास्टिक से कर दिए थे। आप लोग चाहो तो मेरे केक का और वीडियो है, उसमें भी हम पाइपिंग बैग बनाए थे, वो देख सकते हो। इधर ना पीनट बटर देखे, उसको हम ऐसे बना रहे थे, एक लव बनाए थे हम, तो पहली बार बना रहे थे एंड थोड़ा जो छेद था थोड़ा कैसा बन गया था इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो हम सोचे सिर्फ लव बनाएंगे तो आई लव टाइगर लिख देते थे, इधर जगह नहीं था, नहीं तो हम वी लव टाइगर लिखते। तो फिर चलो कोई नहीं, एंड फाइनली हमारा केक बन के रेडी हो रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थे, टाइगर भी देख रहा था। और इधर हम पता है क्या कर रहे थे गाइस, ऊपर से इसको मतलब थोड़ा कैरेट बचा के रखे थे, उसको घिस के ऊपर से ऐसे गार्निश कर रहे थे। आप लोग भी कर सकते हो, मतलब जैसे डेकोरेशन आप लोगों को पसंद है वैसा कर सकते हो, हम ऐसा कर रहे थे। एंड हम मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था तो इसलिए अक्कू की मम्मी भी कर रही थी मेरा इधर हेल्प, सब लोग मिला के ही फाइनली हम लोग केक बनाए थे। एंड टाइगर को बहुत पसंद है, ये सबसे अच्छी वाली बात थी। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा एंड आप लोग भी डॉग पेरेंट्स हो तो बना लो केक। एंड फाइनली टाइगर का फर्स्ट बर्थडे केक हम लोग कट किए एंड उसके पापा और भाई दोनों मिलके उसके साथ केक कट किए। एंड फाइनली सबसे अच्छी वाली बात थी कि उसको केक इतना पसंद आया, देख सकते हो पूरा खा लिया एंड मेरा मेहनत सफल हो गया। तो फिर चलो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को, बहुत अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट शेयर तो कर दिए होंगे। जिनके साथ डॉग है, जो डॉग्स पेरेंट्स हैं उनके साथ जल्दी से आप लोग ये वीडियो शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी अपने डॉग का बर्थडे बहुत अच्छे से बना पाए। तो फिर चलो टाटा बाय बाय, आज के लिए मिलते हैं कल टाइगर के बर्थडे वाले ब्लॉग के साथ।